गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना पीएफ का पैसा चेक कर सकते हैं, यानी कि अपना पीएफ जो पासबुक है उसमें आपका पैसा कितना अभी तक जमा हुआ है वो चेक करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो आप कैसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पीएफ का जो पैसा है ना, उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यूएन नंबर और पासवर्ड जानना ज़रूरी होता है। आपका जो यूएन नंबर और पासवर्ड है वो आपको सबसे पहले पता करना होगा। अगर आपका पता नहीं है तो कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आपका यूएन नंबर और पासवर्ड सबसे पहले तो पता कीजिएगा वो वीडियो देख के, तो उसके बाद आप इस वीडियो का जो पीएफ का पैसा जो कैसे चेक करते हैं वो आप इस वीडियो में पता कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी जाना है तो वीडियो को स्किप किए बिना देखते रहे, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना पीएफ का पैसा चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइप करना है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं EPF उसके बाद india.gov.in कुछ इस तरह से टाइप करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, और जैसे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा पेज। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ई पासबुक, तो आपको यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, यूएन नंबर और पासवर्ड यहां पर आपको इंटर करना है। लेकिन अगर आपको पता नहीं तो कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। तो वो वीडियो देखिए, आप पता कर सकते हैं कि आपका यूएन नंबर और पासवर्ड क्या है। तो मेरा ऑलरेडी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल दिया। आपको भी कुछ इस तरह से डाल देना है, और उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, और उसके बाद आपके पीएफ में कितना पैसा अभी तक जमा हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 30,000 अभी तक जमा हुआ है। तो इस तरह से आप अपना पीएफ का पैसा चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना पीएफ का पैसा कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।